हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शंकर अच्छा क्या तू आ गया, वरना मैं सोच रहा था तू गुठली मारेगा। मैंने सोचा कि मैं नहीं आऊंगा, और अगर मैं नहीं आता तो तू रो पड़ता, इसलिए मैं आई गया। अगर तू ना आता ना तो आके ही मैं रो पड़ता। वो सब छोड़। अच्छा ये पार्टी किस खुशी में? तू आ ही गया है तो तू क्यों नहीं गेस करता कि मैं पार्टी क्यों दे रहा हूँ? अरे इसमें गेस करने वाली क्या बात है, यही कि तू दूसरी 20 माले की बिल्डिंग बनाने वाला है, वो भी 100 करोड़ का प्रोजेक्ट आफ्टर ऑल। नो, बिल्कुल गलत। टेक अनदर गेस। यस आई नो, मैं जानता हूँ। अच्छा आप जानते हैं? जी हाँ। तो आप बताइए। मैं आपकी बेटी अरुणिमा की सगाई जो होने वाली है। अरे भाई अभी कहाँ सगाई वगाई करवा रहे हैं, अभी तो वो सिर्फ 17 साल की है। मैं बता सकता हूँ क्यों दे रहे हो पार्टी। अच्छा तो तुम भी बता सकते हो। हाँ एको मत यार, सच में बता सकते हो? बोला ना। हाँ ये तुम्हारी आखिरी पार्टी है, आज के बाद से तुम कोई पार्टी वार्टी नहीं दोगे। ठीक रहे। थैंक यू फॉर कमिंग। कैसी हो तुम? मैं ठीक। वेरी गुड। मामा प्लीज, मामा एक सेकंड, मामा दैट्स कॉलिंग यू, कुछ जरूरी काम है। अच्छा ठीक है, सबका ध्यान रखना, आई विल बी बैक। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना रमेश जी बिना किसी बात के पार्टी देने वालों में से तो नहीं। रमेश कुमार जी का फोन बंद है। फोन बंद है? यस सर। आप में से कितने लोग घर के अंदर थे? कुछ 15-20 लोग सर। तो आप में से किसी ने रमेश जी और उनके बीवी को बाहर जाते हुए नहीं देखा? नहीं सर। अच्छा तो फिर उनको आखिरी बार किसने देखा? मैंने सर, मैंने देखा है।
कहाँ देखा? बेडरूम के दरवाजे के पास, तभी बम फट गया। चलो दिखा। चलिए दोनों यहाँ पे थे सर, और मैं यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे था सर। ये दरवाजा खुला था या बंद था? ये दरवाजा बंद था सर, ये बिल्कुल ऐसे ही बंद था सर। अच्छा, वो दोनों ही थे या उनके साथ कोई और भी था? नहीं सर, वो लोग दोनों ही थे। उसकी मिसेज बाहर से अंदर आई थी और कुछ खुसफुस कर रहे थे वो लोग आपस में। क्या खुसफुस कर रहे थे, कुछ सुना था तुमने? नहीं, मैं कुछ सुना तो नहीं, लेकिन रमेश थोड़ा गुस्से में लग रहा था। अच्छा, फिर? फिर सर वो बम फटा और कुछ आकर मेरे सर पर यहाँ पर लगा और मैं बेहोश हो गया। दोनों गए तो गए कहाँ? कुछ मिला? तेरे बॉम्ब तो टाइमर से फटा है, पर ये किसी को मारने के लिए नहीं था। अच्छा, ये धुएं वाला बॉम्ब है, बस आवाज थोड़ी ज्यादा थी। अगर किसी को मारना नहीं था तो बॉम्ब लॉस किया है क्यों? सर एक मिनट, जरा इधर आइए। कांच के टुकड़े, टूटा हुआ वॉच, लगता है कोई यहां से बाहर गया है। हाँ, चलो बाहर चलकर देखते हैं, कुछ तो जरूर मिलेगा। ये घड़ी काफी महंगी लगती है सर, शायद रमेश कुमार की ही होगी। गेट, अगर वो लोग यहाँ से भागे हैं तो अंदर किसी को पता भी नहीं चला होगा। हाँ, लेकिन ये रमेश कुमार अपनी बीवी को लेके यहाँ से चोरी छुपे भागा क्यों? सर, हाँ। इंजन ऑयल सर, लगता है यहाँ कोई गाड़ी खड़ी थी सर, मतलब भागने की पूरी तैयारी थी। वहां पे बॉम्ब फूटा, रमेश कुमार अपनी बीवी के साथ यहाँ आया, चुपके से गाड़ी में बैठा और यहां से निकल गया। मगर सर वो घड़ी वहां पे टूटी कैसे? जरूर वहां पे कुछ हाथापाई हुई होगी। पहले ये पता करो कि ये घड़ी किसकी है। जरा इस घड़ी को ध्यान से देखिए और पहचानिए ये किसकी घड़ी है। ये सर रमेश कुमार जी की घड़ी लगती है। हाँ, ये मेरे पापा की घड़ी है, ये मेरे पापा की घड़ी है। ओ, मैं कह रहा था ना सर, उन्हीं की गाड़ी होगी। वहां पे बॉम्ब, उधर गाड़ी और बीच में ये घड़ी, हुआ क्या होगा यहाँ पे? एक्सक्यूज मी सर, सर मुझे तो ये बिजनेस का चक्कर लगता है। उनकी दो बिल्डिंग्स बनते बनते बीच में बन पड़ गई थी, फिर उन पर काफी कर्जा चढ़ गया था सर, और आजकल वो अपने सीए और लॉयर से काफी मिलते थे। लॉयर और सीए? अरे मैं कैसे बताऊं, रमेश कुमार को बिजनेस में लॉस था। लॉस? कैसा लॉस? किस लॉस के बारे में बात कर रही है? देखिए, रमेश कुमार की दो बिल्डिंग का काम बंद पड़ा है, फ्लैट बनेंगे नहीं तो बिकेंगे कैसे? करोड़ों रुपए का लोन उसके सर पर चढ़ा हुआ, तो इसीलिए भाग गया था वो। ये मैं कैसे बता सकता हूँ? देखो टाइम बहुत कम है, समझे? रमेश जी को फोन आ रहे थे। फोन? जी हाँ, अंडरवर्ल्ड के फोन। पता नहीं कौन था, लेकिन पैसे नहीं मांगता था। तो फिर? कहता था कि दूर ले जाऊंगा। कभी नाम नहीं बताया उसने अपना? बताया था। क्या? जी, जी फॉर जैक। जैक?
अच्छा, जैक के बारे में और कुछ पता है आपको? उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि आवाज से ही मार सकता था किसी को। मुझे बाथरूम जाना है। पॉइंट मई कर लेना। इन्हें जाने दीजिए, इन्हें डायबिटीज है। वही तो कह रहा हूं मैं। पॉइंट मई कर लेना, मुझे ले चलो प्लीज। अच्छे से बोल प्लीज। मजा नहीं आया, और अच्छे से बोल प्लीज। हाँ हाँ, ये हुई ना बात, अभी आया मजा। मानता है बात। हाँ, हाथ नहीं खोलूंगा। चल एक बात बता, तूने हमें पकड़ा क्यों है? वापिस जाएगा, एंड में करेगा क्या? सॉरी। चुपचाप चल। मेरी बच्ची रो रही होगी। रोने दे, मैं भी बहुत रोया हूं। अच्छा, मालूम नहीं तुझे? नहीं। यही तो प्रॉब्लम है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, चेहरा जल गया, बापू जी जल कर मर गए और तुझे मालूम नहीं। चल चल कर ले उधर। बहुत अच्छा काम किया, इतने सारे कूड़े में से एक एक काम की चीज ढूंढ कर लाए हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उसने पार्टी में बॉम्ब फोड़ा क्यों? किडनैपिंग करने के और भी तरीके होते हैं, मगर ये बॉम्ब फोड़ के। सर, किसी के घर में घुस के बम फोड़ना इतना आसान है क्या? घुसा कैसे होगा घर में? घर में पार्टी चल रही थी, घुस गया अंदर चुपके से। लेकिन वो पहले से ही रमेश कुमार को फोन करके धमका रहा था, फिर भी रमेश कुमार पुलिस के पास गया नहीं। ये क्या है? पेपर लगता है। कुछ लिखा है इसमें, देखे जरा। पब्लिश्ड इन अंधेरी। लगता है वो बॉम्ब को इसमें लपेट के लाया होगा। शायद ये किसी ऐसे न्यूज़पेपर का टुकड़ा है जो अंधेरी में छपता है। मतलब ये लोकल पेपर होगा। सर, अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लिया जाए कि इस अखबार को खरीदने वाला ज्यादा दूर तक ना गया हो सकता है वो अंधेरी में रहता हो। इतने में बॉम्बर का एड्रेस भी ढूंढ लिया आपने? अरे वो तो हालातों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, वरना हम भी आशिक थे काम के। हेलो, एसीपी प्रद्युमन है क्या? डायनामाइट लूट लिया? हाँ एसीपी साहब, डायनामाइट, पूरा का पूरा ट्रक चोरी हो गया। कितना डायनामाइट था ट्रक? 30 बॉक्स थे, जो कि पूरी 3 मंजिल की बिल्डिंग को उड़ा सकते हैं। ये हुआ कब? 2 घंटे पहले, मनोर हाईवे से। बीच में थोड़ा जंगल का रास्ता पड़ता है, तभी कुछ लोगों ने ट्रक को रोक लिया, ड्राइवर और क्लीनर दोनों को गोली मार दी और ट्रक लेकर भाग गया।
ड्राइवर बच गया। ड्राइवर कहाँ है? आईसीयू में। उसी से मिलने के लिए तो आपको इतनी जल्दी से बुलाया है सर। अमरदीप नाम है। अमरदीप, अमरदीप, ये बताओ कितने लोग थे? तीन लोग थे। कौन थे वो, कुछ याद है? डरावना। और काला चश्मा पहना था। देखो, हम उस आदमी को पकड़ सकते हैं, मगर हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम उस आदमी की तस्वीर बनवा दो, ठीक है? जरा इस स्केच को देखो। इस आदमी को पहले कभी देखा है? अनुष्का, अरुणिमा क्या हुआ? बोलो अरुणिमा, क्या हुआ था? कौन है वो? दो महीने पहले ये आदमी मुझे मार्केट में मिला था। कहाँ पे? चार बंगला में। मैं शॉपिंग कर रही थी, पीछे से किसने मुझे आवाज दी। मैं पीछे मुड़ी तो ये आदमी मेरे सामने खड़ा था। मैं इसे देखकर बहुत चिल्लाई। पूरी दुकान में सभी लड़कियां आई थी, इसे देखकर सर डर गई। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मेरी मदद करोगी। और फिर वो आदमी मेरे पास आया। एक कदम मैं जोर से चिल्लाई और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वो नहीं था। अभिजीत, लगता है ये वही आदमी है जो रमेश कुमार को फोन कर रहा था। जी फॉर जैक। मगर सर, जिस आदमी ने उन्हें किडनैप किया है वही आदमी डायनामाइट का ट्रक भी हाईजैक करता है। समझ में नहीं आ रहा। मेरे मम्मी पापा वापस आएंगे ना? आएंगे ना? हाँ हाँ, जरूर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? ये आदमी बहुत डरावना है सर। अरे ऐसी की तैसी उसकी। डरावना हुआ तो क्या हुआ, हम हैं ना, हम क्या कम डरावने हैं उसके लिए? घबराओ मत अभिजीत। डायनामाइट क्यों चुराया होगा उसने? सर, किडनैप करके डायनामाइट चुराया, समझ में नहीं आ रहा क्या करने वाला है। हेलो, मिल गया? कहाँ पे है? लिंक रोड पे। ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। सर, डायनामाइट का ट्रक मिल गया। जानना चाहता था ना मैं कौन हूं, अभी बताता हूं। इस फोटो में क्या है पता है? ये तो मेरी फैक्ट्री का फोटो है जो 10 साल पहले जल गई थी। ये तुम कहां से लाए? हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं। गुड। और वो डायनामाइट का ट्रक पहुंच चुका है? वो भी वहां पहुंच गया जहां उसकी जरूरत है। अब आप दोनों अपने
अपनी जिंदगी की आखिरी यात्रा करने के लिए तैयार हो जाइए। इस आदमी को अगर रोका नहीं गया तो न जाने क्या करेगा डायनामाइट का। एक काम करते हैं, ट्रक को फॉरेंसिक लैब में लेके चलते हैं, यही हमें उस आदमी तक पहुंचाएगा। ड्राइवर ने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, कहीं ना कहीं निशान तो होने ही चाहिए। पर मैम, निशान दिख क्यों नहीं रहे? वही तो प्रॉब्लम है। यहाँ से लाइट देना। निशान दिख भी रहे हैं और नहीं भी दिख रहे। क्या मतलब? मतलब ये कि स्टीयरिंग व्हील में कोई ना कोई राज जरूर छुपा हुआ है। रीना, तुम एक काम करो, इस स्टीयरिंग व्हील को उखाड़ कर अंदर ले आओ। इसकी चारों तरफ से फोटोग्राफ लेंगे, फिर पता चल जाएगा कि वो कौन सा इंसान है जिसने इस ट्रक को हाईजैक किया था। ओके मैम। ऑलराइट। पर उंगलियां हैं पर निशान नहीं है। शायद ड्राइवर ग्लव्स पहन के ट्रक चला रहा होगा। ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, तभी तो हथेली के निशान नजर आ रहे हैं। जब हॉर्न बजाया होगा तब हथेली के निशान हॉर्न पर छप गए होंगे। ये देखो, लाइफलाइन भी साफ साफ नजर आ रही है। उंगलियों के निशान मिलते तो कुछ बात भी थी, लाइफलाइन का क्या करेंगे? सर, सर हम एक काम कर सकते हैं, अगर ये हथेली के निशान हम किसी ज्योतिषी के पास ले जाएं, तो हो सकता है वो कुछ बता दे। ये क्या कह रही हो तुम? हैं? सर, मैं सोच रही थी कि एक मिनट करके देखने में नुकसान भी क्या है? हाँ, वैसे हमारे पास कोई सुराग भी तो नहीं है। अगर उस ज्योतिषी की बात 10% भी सही निकली तो कुछ तो पता चल जाएगा। क्यों दे? यस सर। तुम अनुष्का के साथ जाओ। वैसे जजमान, हम 251 रुपया दक्षिणा में लेते हैं हाथ देखने का। 251 रुपया। वैसे CID वालों से पैसा लेना जरा खतरनाक है। नहीं नहीं, आप लीजिए अपनी फीस। जी, वैसे तो ये अपराधी का हाथ है। हे भगवान, ये तो भयंकर आदमी का हाथ है। क्यों पंडित जी, खूनी है क्या? हाँ, और पहले भी कभी मरते मरते बचा है। मतलब मौत के मुंह में जाकर वापस आया है। करीब 20 साल पहले इस आदमी को आग और लोहा दोनों से खतरा है। आग से? अनुष्का, कहीं उस आदमी की उंगलियां जली हुई तो नहीं है? हाँ, तभी तो उसकी उंगलियों के निशान गायब है। हाँ।
अरे क्या है, कहाँ चले आ रहे हो? अरे भैया वो सीमेंट लेकर आए। अरे भाई जरा चश्मा उतार कर गाड़ी चला लिया करो, दिखाई नहीं देता, काम बंद पड़ा है, तुम गलत जगह पर आ गए हो। देखो भैया हमको ये सब नहीं मालूम, रमेश जी का फोन आया था, उन्होंने कहा सीमेंट लाना है, हम लेकर आ गए। रमेश जी का फोन आया था? हाँ। पर साहब तो हमसे कुछ नहीं बोले। अब भैया आप देख लो, हम सामान वापस लेके चले जाते हैं, जिम्मेदारी आपकी होगी, कल को आपकी नौकरी जाएगी, हमारी नहीं। चलो भाई। अरे भाई रुको रुको रुको, रुको। पहले मैं चेक कर लूं, फिर तुम चले जाना। रीना मैम, इन तीनों टायर्स को लेकर अंदर आओ। यस मैम। सर ये कोई टेररिस्ट हो सकता है, एक बार आग में हाथ जल चुका है फिर भी आग से खेले जा रहा है, इतना सारा डायनामाइट चुराया है, ब्लास्ट जरूर करेगा कहीं ना कहीं। लेकिन ब्लास्ट करने के लिए रमेश कुमार और उसकी बीवी को क्यों उठा कर ले गया? सर कहीं ये सर इस ट्रक के टायर्स में सीमेंट लगा हुआ है, काफी सारा सीमेंट और काफी अंदर तक लगा हुआ है। जहां ये गया था शायद कोई बिल्डिंग बन रही होगी। नहीं, अगर बिल्डिंग वाली जगह पर गया होता तो इस टायर पर और कुछ भी लगा होता, पत्थर का चूरा या ईंट का चूरा, इस पर तो सिर्फ सीमेंट लगा है, ओनली सीमेंट। फिर ये किसी सीमेंट के गोडाउन से आया है। हम अगर डायनामाइट चूरा के सीमेंट के गोडाउन में क्यों गया? सर एक एक सीमेंट का गोडाउन को चेक करना चाहिए। सर ऐसा गोडाउन ढूंढिएगा जो किसी मच्छी मार विलेज के पास हो। मतलब? मतलब ये देखिए सर, इस सीमेंट में मच्छी की खाल के टुकड़े हैं। फैंटास्टिक वर्क डॉक्टर। थैंक यू सर। मच्छी मार विलेज के आसपास गोडाउन, ये तो आसानी से मिल जाएगा सर। साहब साहब मैं सच कह रहा हूँ, ये गोडाउन दो महीनों से खुला भी नहीं है, इसमें कोई आदमी कैसे आ सकता है सर? यही एक गोडाउन है मच्छी गांव के बीचों बीच, समझे? तो क्या हुआ सर? तो अभी पता चल जाएगा क्या हुआ। एक मिनट सर। हाँ टायर मार्क्स। अगर ये गोडाउन दो महीने से बंद पड़ा है तो फिर ये ट्रक के टायर के निशान यहाँ पे कहाँ से आ गए? सर यही मैं भी सोच रहा हूँ सर। काफी सीमेंट भी पड़ा है जमीन पर। बस अभी एक्टिंग बंद कर, किसी टीवी सीरियल में काम मिल जाएगा। बता डायनामाइट कहाँ है? डायनामाइट? किस डायनामाइट की बात कर रहे हैं सर आप लोग? सर बॉक्सेस यहाँ पे। बल्कि सर डायनामाइट गायब है, देखो कहीं और रखा है क्या। सर सीमेंट, इतना सारा सीमेंट, ये इतना सीमेंट यहां कैसे आ गया सर? तुम्हें मालूम नहीं है सीमेंट कहां से आया? नहीं सर मुझे बिल्कुल पता नहीं है। तुम्हारे गोडाउन में इतना सारा सीमेंट पड़ा है, डायनामाइट के खाली बॉक्सेस पड़े और तुम। सर आप चाहे तो मुझे गोली मार दीजिए लेकिन मैंने ये सब कुछ नहीं किया है सर, प्लीज ट्रस्ट मी सर। आया कहां से ये सीमेंट? कोई हाथ में लेके तो आया नहीं होगा ना, बैग्स में लाया होगा, और सीमेंट के बैग्स यहां कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहां गए सीमेंट के बैग्स? सर मुझे बिल्कुल पता नहीं,
सर सर मुझे लगता है किसी ने बैग्स में से सीमेंट निकालकर उसमें डायनामाइट भर दिया है। हाँ ये हो सकता है, डायनामाइट सीमेंट के बैग्स में छुपाया गया है, सीमेंट के बैग्स में डायनामाइट छुपाकर कहीं ले जाया गया, लेकिन कहाँ ले जाया गया ये मालूम नहीं। सर 2000 से भी ज्यादा बिल्डिंगें बन रही है शहर में, ये सीमेंट वहां होना चाहिए था। यही बात तो है, सीमेंट यहां पड़ा हुआ है और बैग्स गायब। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि डायनामाइट को सीमेंट के बैग्स में छुपाकर किसी बिल्डिंग में ले जाया गया? सर किसी ने तो ये सीमेंट खरीदा होगा ना कहीं से। सीमेंट बेचने वाले हर डीलर के पास जाकर इंक्वायरी करो, एक एक दुकानदार से पूछताछ करो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, हमें छोड़ दो। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, तुम्हारा पैसा किसी काम में नहीं आएगा। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? देखो इस जगह को, देखो चारों तरफ, ये वही जगह है ना जहां तुम्हारी मिल हुआ करती थी और जिसे तुमने खुद आग लगा दी थी। नहीं नहीं नहीं, तुमने, मैंने नहीं जलाई थी। तो फिर किसने जलाई? किसने? करोड़ों रुपए नहीं मिले थे इंश्योरेंस के? मिले थे ना? बंद रहे इन दोनों को। नहीं सुनो, प्लीज देखो प्लीज, मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज प्लीज देखो बात सुनो मेरी, प्लीज छोड़ दो हमको। ये वही जगह है जहां मैं चल गया था, मेरे बाबूजी यहां चलकर मर गए थे। अब तुम दोनों की बारी है, अब तुम्हें चलना होगा। नहीं नहीं, ये है मेरा बदला। नहीं नहीं, मैं बदला लेके ही रहूंगा। देखो मेरी बात सुनो, देखो नहीं नहीं नहीं, इस आदमी को देखा पहले कभी? सीमेंट लेने आया था साहब। कब? ये तो कल रात को आया था साहब। नाम क्या है इसका मालूम है? नहीं साहब, वो बिल्डर की चिट्ठी लाया था साहब। कौन से बिल्डर की चिट्ठी? आरके रमेश कुमार बिल्डर साहब। चिट्ठी कहाँ है वो? चिट्ठी वो काम फिर से शुरू करना है, आदमी को सीमेंट दे दो 40 बैग। फिर शुरू करने से क्या मतलब? क्यों, ये फिर से शुरू करना क्यों लिखा है? जी मुझे लगा साहब ये वही जगह है जहां काम बंद पड़ा है, वो मिल वाली जगह। ये वॉचमैन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। खून? सर ये खून तो 2-3 दिन पुराना लग रहा है, कहीं वॉचमैन का तो नहीं है? चलो अंदर चलकर देखते हैं। ध्यान से देखो, देखो कहां छुपा है वो। ये वायर? डायनामाइट? नो 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 नो, देयर डोंट टच, फट सकता है। माय गॉड, पूरी बिल्डिंग में डायनामाइट लगा रखा है, लगता है बिल्डिंग को उड़ाने वाला है।
सर वो यहाँ से ब्लास्ट करेगा तो खुद भी मारा जाएगा। मुझे लगता है वो यहाँ से दूर जाके बिल्डिंग को ब्लास्ट करेगा। रमेश कुमार को ढूंढो, उसे बचाना होगा, नहीं तो मर जाएगा इस ब्लास्ट में। अभिजीत तुम उस तरफ जाओ। सया, नीचे कोई भी नहीं है। दया अभिजीत तुम लोग ऊपर जाओ। सर फ्रेडरिक्स मेरे साथ चलो। देर हो चुकी है, मुझे घर जाना है, नहीं तो मम्मी के सामने मुझे एक और कहानी सुनानी पड़ेगी। तुम भी ना, एक तो इतने दिनों के बाद मिलती हो और फिर घर जाना है। अच्छा अच्छा प्लीज नाराज मत हो, ठीक है 5 मिनट और बैठते हैं। बस 5 मिनट। अच्छा मैं तुमसे कुछ कहूँ? कहो। मुझे ना यहाँ थोड़ा डर लग रहा है, ये जगह कितनी सुनसान है। सुनसान तो है पर सेफ है, मैं यहाँ बहुत बार आता हूँ। किसके साथ? मतलब क्या, कितनी लड़कियाँ घुमा रहे हो तुम? नहीं चलो जल्दी करो, जल्दी निकलना है।
कम है। कुछ सुना? चलो चलो जल्दी करो, तुम यही ठहरो, मैं देख कर आता हूँ। चलो जल्दी जाकर बॉडी फिटिंग करो। चलो चलो, वक्त बहुत कम है, उठो थाम जाओ ज्यादा संभाल के। हाँ, और ये प्लान कामयाब करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसा बताया गया है वैसा ही करना। जी इस्तेमाल इस्तेमाल मत करना, चलो। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं कुछ ना कुछ करना ही होगा। मैंने कहा था जोर से मत मारो, कोई सुनता कहाँ है? पता तो चल गया ना कि कितनी खतरनाक है, एक स्प्रे मारते ही मर गया। सोचो जब बम फटेगा और ये गैस फैलेगी तो कितनी तबाही होगी। सारा शहर कांप जाएगा, हजारों लोग मरेंगे, तब पता चलेगा दुनिया को कि हम क्या चीज है। फेंक दो इसे। फ्रेडरिक्स, 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 तुम हंस क्यों रहे हो? अरे मालूम है ना, यहाँ बीरो में हंसना मना है, है? और ये गिर कैसे गए तुम बैठे बैठे अचानक? रस रहा? आजकल दिन में शुरू किया क्या तुमने? अरे नहीं नहीं सर, वो अचानक मुझे मेरी वाइफ की एक बात याद आ गई। वाइफ की याद आते कुर्सी से गिर गए? नहीं, जब से मैंने पीना छोड़ा है तब से मेरी वाइफ खुशी से पागल हो गई है। हर जगह एक नमूने की तरह मुझे लेकर जाती है। किसी के एंगेजमेंट हो, शादी हो या बच्चे का नामकरण हो, सबसे एक ही बात कहती है। सुने जरा क्या कहती है? इनसे मिलिए, ये मेरे हस्बैंड है, आजकल काम खत्म होते ही सीधे घर चले आते हैं। फ्रेडरिक्स, ये शादी का लड्डू है, जिसने खाया वो पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। अच्छा है? तो आप दोनों भी ये लड्डू खा ही लीजिए। हाँ, ना खा के पछताने से तो अच्छा है खा के पछताया जाए। अरे फिर हंस रहा है? फिर से वाइफ की याद आ गई क्या? अरे नहीं नहीं सर, इस बार मुझे एसीपी साहब की याद आ गई। वैसे एसीपी सर आ कब रहे हैं? एक हफ्ता और लगेगा। हेलो सीआईडी ब्यूरो, तुम कौन बोल रहे हो? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सबसे पहले वहां से निकलो, बिना आवाज किए चुपचाप वहां से निकलो, समझे? हम लोग किसी तरह वहां पहुंच जाएंगे, पहले तुम वहां से निकलो। ओके। क्या वो कौन है? अभिजीत, लगता है आतंकवादियों का कोई गैंग तहलका मचाने वाला है। फिर से? हाँ, डॉक के पास एक बंद फैक्ट्री है, ये लोग अभी है वहां। अभी भी है वहां पे? हाँ, ऐसी भी आपको बताता हूँ। किसी भी साहब का फोन नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा? तो अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, वो लोग अभी भी वहीं पर हैं। सर, पर हम इस तरह से इंतजार तो नहीं कर सकते ना? मालूम है मुस्कान, मालूम है। सब लोग गन ले लो अपनी अपनी, देखते हैं क्या है। बुलेट रख लो बहुत सारी। तो नहीं कि किसी ने हमारे साथ मजाक किया हो? हो सकता है, पर इंफॉर्मेशन आई है, सच भी हो सकता है। एसीपी साहब यहाँ पे है नहीं, हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पता नहीं वहाँ कितने टेररिस्ट होंगे। अच्छा किया हम ये बुलेट प्रूफ जैकेट लिया है साथ, सबने पहन लिया ना? यस सर। हम जब वहाँ पहुँचेंगे तो ये गाड़ी थोड़ी दूर पहले छोड़ देंगे। जिंदा बच के आना सर। ऑल द बेस्ट।
हमारी बात का रुक जाओ। चलो रुक जाओ, ए रुक जाओ, मैं गोली मार दूंगा। रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ, रुक जाओ। यही घेरते हैं कहती ना मुस्कान कहाँ है? मुस्कान, मुस्कान, कहीं गाड़ी के पास तो नहीं? मुस्कान, 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 जी, ये तो मुस्कान का जूता लग रहा है। क्या है ये? सीआईडी ऑफिसर की टांग। सगो, जानते हो तुम्हारी हरकत ने नाक कटवा दी मेरी। बहादुरी का अवार्ड लेने गया था मैं, दुम दबा कर निकलना पड़ा मुझे वहां से। टेररिस्ट के इतने बड़े गैंग से टक्कर लेने चले थे, मुझे बताया तक नहीं। सर, हमने आपको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की पर आपका फोन लगा ही नहीं। मेरा फोन नहीं लगा तो कम से कम एटीएस को तो इन्फॉर्म करना चाहिए था। उनका काम है ये टेररिस्ट से टक्कर लेने का, निकल पड़े बिना किसी बैकअप के। खुद को क्या हिंदी फिल्म के हीरो समझते हो? सर, हमने तो जान की बाजी लगा दी। और जान की बाजी लगा दी सर, चार टेररिस्ट को मार गिरा है। तो क्या मेडल के लिए नाम भेजूं तुम लोगों का? मुस्कान का किडनैप है, उसका मेडल कौन लेगा? सॉरी टू इन्फॉर्म यू बॉयज बट यू हैव फेल्ड द मिशन। मुस्कान को वापस लाने का तरीका सोचा है? सर, एक मरे हुए टेररिस्ट के जेब में से हमें ये पेपर मिला था, इसमें कुछ मार्किंग। हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये है क्या। ये कोई सीक्रेट मैसेज है, कोड है, कोड किसी दूसरे के समझ में नहीं आना चाहिए। ये है क्या सर? ये पेपर यहां से फाड़ा गया तो शायद ऐसे सीधा होगा। ओके, करेक्ट। फिर सर, ये लाइन सीधी लाइन है तो एक पॉइंट से ये दूसरी पॉइंट तक जाती है, अगर हम ऐसा मान के चले तो। तो सर, ये ऐसे पॉइंट्स बना सकते हैं, यहां से यहां, यहां से इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से ये पॉइंट पे, और ये यहां से यहां, ऐसे। सर, मैं ये पॉइंट्स दिखा ही रहा था कि अभिजीत ने बताया कि ये सारे पॉइंट्स सीधी लाइन में हैं। यस सर, एक लाइन यहां से जा सकती है, एक लाइन यहां से भी जा सकती है, एक ये है सर, और एक लाइन ये है सर, और एक लाइन यहां से भी जा सकती है नीचे से, और ये सीधी लाइन भी आती है सर ऊपर से, एक ये भी है, एक ये है सर, और एक यहां पर। सर, ये ऊपर नीचे मिला के कुल 25 पॉइंट होते हैं। सर, बचपन में मेरी माँ ने सिखाया था कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, मुझे अभी भी याद है सर। प्रेडिक्ट, मुस्कान किडनैप हो गई है और ये पेपर टेररिस्ट की जेब में से मिला है। सर, ये सारे पॉइंट्स इंग्लिश के लेटर्स है सर, ये देखिए सर, 25 और ये जेड 26।
मतलब ये पॉइंट ए बी सी डी है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये सब। अब ये लाइन जहां जहां से जाती है वहां के लेटर्स लिखो सर। बी बी ए ए जी जी यू और सी सी एच एच ओ ओ एम आई एस जेड ए बागू चोमिज़ा। बागू चोमिज़ा ये तो बहुत बड़ा अपराधी है। देख ये नाम कंप्यूटर में टाइप करके देखो। सर बाबू चोमिज़ा रिया को 2003 के दंगों में गिरफ्तार किया गया था। एक साल पहले इसे रिहा कर दिया गया। एड्रेस क्या है? सेक्टर 12 बी विजयनगर। लगता है घर में कोई नहीं है। कौन है वहाँ? कौन है आप लोग? यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम लोग सीआईडी से। बागू घर पे है? नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। अच्छा, ले लीजिए। बागू है कहाँ? जब से बागू जेल गया मैंने उसे देखा तक नहीं। सर नहीं है। अगर आपको बागू के बारे में कुछ पता चले या वो आपसे मिलने आए तो हमें जरूर बता देना। मेरे घर तक आ चुकी है। तुम फिकर मत करो, बस उनकी नजर में मत आना। मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें फोन कर दूंगी, लेकिन तब तक के लिए कहीं गायब हो जाओ, समझ गए? देखा, जैसे हम वहां से निकले वो यहां आ गए। पता करो उसने किसको फोन किया था। ये सीआईडी ऑफिसर्स अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, हर बार हमसे एक कदम आगे चलने की इनकी आदत पड़ गई है, लेकिन मैंने हिलाकर रख दूंगी। सर, उस औरत ने पीसीओ से एक मोबाइल नंबर पे फोन किया है, 9154-57981। किसका नंबर है ये? सर नाम और पता दोनों ही गलत दिए हुए। सर पता नहीं अब ये मोबाइल फोन किसके पास है। सर बहुत गड़बड़ है सर। क्या हुआ? वो बूढ़ी औरत अपने घर में से गायब है, वो वहां है नहीं। अब क्या करें सर, 2 दिन हो गया मुस्कान उनके चंगुल में फंसी हुई है। भगवान करे वो ठीक ठाक हो। इन आतंकवादियों ने जरूर कोई बड़ा प्लान बनाया है, वरना अभी तक तो उनका फोन आ चुका होगा। सर ये नंबर है। एसीपी प्रद्युमन। एसीपी साहब, आप
कि ऑफिसर हमारे पास सही सलामत है। बात करो सर। आप इसके एक भी क्षण मत मानिए। अगर आप मुस्कान को जिंदा देखना चाहते हैं तो आपको मुझसे एक डील करनी होगी। मैं आतंकवादियों से डील नहीं करता। अच्छा, तो आपके इस ऑफिसर का क्या होगा? वापस भेज दो उसे। वो एक सीआईडी ऑफिसर है, खतरों से खेलना उसका काम है। बस फाइनल? और कुछ नहीं बोलना आपको? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आपका हुक्म सर आंखों पर। मुस्कान, सुन लिया आपने? गुड बाय। कहीं मार तो नहीं दिया मुस्कान को? मरते वक्त इतनी लंबी चीख निकल दिए क्या मुझसे? अगर मुस्कान को मार दिया गया तो उनकी डील नहीं होगी, और जब तक डील नहीं होती मुस्कान को वो लोग नहीं मारेंगे। पर सर, आपने डील क्यों नहीं की? कम से कम सुन तो लिया होता कि वो लोग चाहते क्या है। मैं आतंकवादियों से डील नहीं करूंगा। और अगर उन्होंने मुस्कान को मार दिया तो फिर बात ही खत्म। डील करने का सवाल ही नहीं उठता। नो मुस्कान, नो डील। एक सीआईडी ऑफिसर की यही कीमत है? वो एक शहीद कहलाएगी। वो आतंकवादियों के बीच फंसी है, अभी कुछ कर नहीं सकती। और हम लोग यहाँ पे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूम रहे हैं। अगर इतना ही दर्द हो रहा है तो उतारो अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट और दिखाओ कुछ हिम्मत। मैं दिखाता हूँ हिम्मत। अभिजीत, क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? हम लोग यहाँ आके क्यों खड़े हैं आधे घंटे से? बस थोड़ी देर की बात है, निकल जाएंगे। कोई आने वाला? हाँ। कौन? पता नहीं कौन होगा। मुस्कान के बारे में कोई टिप मिली है? क्या मैंने टेररिस्ट से बात की? क्या? मैंने फोन किया उनको। तुमने फोन? हाँ, वो लोग हमसे यहीं पे कांटेक्ट करेंगे। ये क्या कर दिया तुमने अभिजीत? एसीपी साहब को पता चलेगा तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे यार, एसीपी गया गड्ढे में। अभिजीत, तुम भूलो मत, तुम एक सीआईडी ऑफिसर। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, ये गद्दारी है। तुम भूल गए थे जब लॉकअप में तुम्हारे हाथ से एक आदमी मरा था? वो अपने आप मरा था। हाँ, फिर भी फंस तो गए थे ना तुम। तो किसने साथ दिया था तुम्हारा? मैं खड़ा था तुम्हारे साथ। एसीपी ने तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। फिर भी अभिजीत, और आज जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम भाग रहे हो? मैं भाग नहीं रहा हूँ, मगर एसीपी साहब को बिना बताए तुमने टेररिस्ट से बात की, ये गलत बात है बस। दया मुस्कान हमारी कोलीग है, एसीपी साहब को तो उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। उन्होंने तो उसकी उम्मीद ही छोड़ दी, लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर सकते ना। एसीपी तो हमें भी कुर्बान कर देगा, उनके लिए तो जान की कोई कीमत है ही नहीं। ये लो। ये? किसने दिया? कौन है वो? है? वो तो पता नहीं। दर? वो वहाँ पर है। कार तो है नहीं उधर। मुस्कान के बदले पुलिस रिकॉर्ड 90021 को लेकर आओ कल रात अंधेरी मॉल के सामने, नहीं तो मुस्कान मारी जाएगी। तो ये फाइल खोल के देखो तो सही है, पुलिस रिकॉर्ड में 90021 है क्या? ये देखो, क्रैमन बल्जर, ये तो वही खतरनाक आतंकवादी है। इंडिया से भागने के बाद इंडियन फोर्स ने इसे बड़ी मुश्किल से रशिया में अरेस्ट किया था। यहाँ जो पिछली बार बमी हुई थी ना, इसमें इसी का हाथ था। उन लोगों को मुस्कान के बदले में ये वाला आदमी चाहिए? नहीं नहीं, बस हम ये नहीं कर सकते। अरे तो क्या मुस्कान को इनके हाथ में ही छोड़ दें? एक तो उसे पहले ही गोली मार दी है, पता नहीं अब तक कितना खून बह गया होगा। जो कुछ भी हुआ अभिजीत, हम इस आदमी को नहीं छोड़ सकते। अरे एक बार मुस्कान हमारे हाथ में आ जाए ना, किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक को मारेंगे। अभिजीत, क्रैमर सेंट्रल जेल में है, सेंट्रल जेल में।
हम उसे वहां से निकालेंगे कैसे? कोई तो रास्ता होगा ना। क्या हो रहा है यहाँ? सर आप यहाँ? कंप्यूटर बंद है? क्या कर रहे थे तुम लोग यहाँ? सर वो जो टेररिस्ट मारे गए थे उनके बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा कर। कैसी जानकारी? सर देख रहे थे उनसे कोई और क्लू मिलता है। कल सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते थे? सर आप समझ क्यों नहीं रहे सर? एक एक मिनट भारी पड़ रहा है, सुबह तक देर हो जाएगी सर। देखो मुझे पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, इस बार अगर गलती की तो सीधे सीआईडी से बाहर हो जाओगे, समझे? नो माफी। वैसे आपके पेपर्स तो सब ठीक ठाक ही लग रहे हैं, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, वो ये है कि आप लोग क्रेमन को इतने जल्दबाजी में क्यों ले जा रहे हैं? हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जल्दी से जल्दी, और वो इन्फॉर्मेशन इस क्रेमन के पेट में है। वो तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, मैं आपको एक कमरा दे देता हूँ, यहीं पर कर लीजिए पूछताछ। नहीं सर, यहाँ नहीं हो सकता, ये बात सिर्फ फॉरेंसिक लैब में ही की जा सकती है। लाइट डिटेक्टर टेस्ट करना पड़ेगा। लाइट डिटेक्टर? ओ, फिर तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। जी सर, आप जरा उसे बुलवाएंगे जल्दी? एक बात और है, आपको मालूम है ना ये क्रेमन कितना खतरनाक क्रिमिनल है, और इतने बड़े अपराधी को ले जाने के लिए आप सिर्फ दो ही लोग आए हैं, कोई बैकअप वगैरह नहीं है? सर ये एक खुफिया मिशन है, एकदम सीक्रेट है सर, इसीलिए ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है इसके बारे में, या यूं कह लीजिए कि हम ज्यादा लोगों को बता नहीं सकते। आपको लगता है कि ब्लास्ट में इसका हाथ है? अब ये तो जब ये बोलेगा तो ही पता चलेगा सर। वैसे आप सेफ्टी की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम लोग बुलेट प्रूफ वैन लेके आए हैं। वैसे आज तक हमारी कस्टडी से कभी कोई कैदी भाग नहीं पाया है। पहले कभी भागा है कि नहीं वो अलग बात है, पर अब कुछ हो गया तो फंस जाएंगे आप लोग। वैसे भी सुना है काफी गड़बड़ चल रही है सीआईडी। लीजिए, आ गए आपके क्रेमन साहब। एक मिनट, यस सर। आप पेपर्स पर साइन करना भूल गए? आसपास मालूम नहीं कौन कौन टेररिस्ट है, एक बार मुस्कान हाथ में आ जाए ना तो मार देना सबको गोली से। आने तो दो इन्हें। लगता है यही गाड़ी है सफेद वाली। द्वारा लाइक क्या? हाँ देख लो। आओ मेरे साथ, मिलवाता हूँ। मुझ
प्लान को दिखा। तुम यहां कहां से आ गए? मैं अंधी हूं। सर आपने इतने बड़े क्रिमिनल को कैसे छोड़ दिया? देखिए इंक्वायरी चालू है, जब भी कुछ पता चलेगा आप लोगों को बता दूंगा। सर सीआईडी ऑफिसर मुस्कान को बचाने के लिए और क्या क्या किया जा रहा है? वो सीक्रेट है, आप लोगों को नहीं बता सकता। अभी उन ऑफिसर पर एक्शन लिया जाएगा। अरे जरूर लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा? क्या आम जनता सुरक्षित है? कौन बोल रहा है? हम लोग किस लिए? चलिए हटिए, नो मोर क्वेश्चन, हटिए, मुझे जाने दीजिए। चलिए चलिए हटिए, नहीं नो मोर क्वेश्चन प्लीज। क्यों किया तुम लोगों ने? क्यों किया? मीडिया ने मेरा नाम पब्लिक में धो के रख दिया। मेरी शक्ल देखते ही लोग मुझे काटने आते हैं। मैं दीवारों से बात नहीं कर रहा हूं। क्यों किया तुमने ये सब? मुस्कान को बचाने के लिए सर। सर वो हम में से एक है, हमारी ड्यूटी बनती है सर। तो क्या बचा सके उसे? नहीं ना सर, कोशिश तो की ना। सर हम आंख बंद करके चुप भी तो नहीं बैठ सकते सर। एक मुस्कान की जान बचाने के लिए तुम लोगों ने इस देश के लाखों लोगों की जान खतरे में डाली। क्रिमिनल जैसा अपराधी कुछ भी कर सकता है, मालूम है? सर कोई नहीं मरेगा, कोई भी नहीं। हम लाखों लोगों की जान भी बचाएंगे और मुस्कान को भी कुछ नहीं होगा, ये हमारा वादा है आपसे। वादा है? रुक जाओ वहीं पे, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। बस इनफ, तुम लोगों ने अब तक जो कुछ भी किया काफी है। अब जो कुछ भी करना है मैं करूंगा। सर आपने इतने बड़े क्रिमिनल को कैसे छोड़ दिया? वो अभी नहीं बता सकते आपको। सर क्या आपने मुस्कान को जिंदा देखा? सर आप मानते हैं कि शहर में जो भी तबाही मचाएगा उसके जिम्मेदार आप होंगे? सुनिए, मैंने सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत और इंस्पेक्टर दया को नौकरी से निकाल दिया। आज के बाद उनका सीआईडी से कोई संबंध नहीं। देखिए हमारा जो होना था वो तो हो गया, पर एक बात अच्छी होगी कि कम से कम हमने आपको छुड़ा लिया उन लोगों के हाथों से। मैं तो चुपचाप सड़क पर चल रही थी, बस अचानक दो तीन लोग आए और मुझे उठा के गाड़ी में बिठा दिया। मेरा मुंह भी बंद कर दिया और आंखों में पट्टी बांध दी। ये तो अच्छा हुआ कि आप लोगों ने मुझे बचा लिया, वरना न जाने वो लोग क्या करते मेरे साथ। देखिए प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। जी वो कैसे? हमें मुस्कान को बचाना है और उस टेररिस्ट को किसी भी हालत में पकड़ना है। देखिए
मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन बहुत कुछ बता सकती हूँ आप लोगों को। जैसे? ये जो कार चला रहे हैं, इनकी आवाज से लग रहा है कि इनकी हाइट करीब 6 फीट की है। सही है या गलत? सही है। सही है, पर आपको कैसे पता चला? इनकी आवाज काफी ऊपर से आ रही है। जब एक लंबा आदमी गाड़ी में बैठेगा तभी ऐसे होगा। आप मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं? आप जरा अपना हाथ दिखाइए। क्या हुआ? जी आप बुरा ना मानिएगा। नहीं नहीं, आप बताइए। आप थोड़े सांवले रंग के, और आपको जब गुस्सा आता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लो, हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां से उन लोगों ने आपको किडनैप किया था। हमें एक आई विटनेस मिल गया था। देखिए, अब आप हमें यहां से वहां तक ले जा सकती हैं जहां पे वो लोग आपको ले गए। कोशिश करते हैं। कहां कहां गाड़ी गई थी मैंने याद रखने की बहुत कोशिश की थी। चलिए अब आप सीधा चलिए। सीधा अब राइट। ये राइट ले लिया, अब सीधे। एक मंदिर आएगा, मैंने घंटियों की आवाज सुनी थी। हाँ, राइट के मंदिर। जरा आगे से लेफ्ट लीजिए। लेफ्ट, ये लेफ्ट। अब एक ब्रिज आएगा। मैंने ट्रेन की आवाज सुनी। देखिए ट्रेन की आवाज। हम ब्रिज पर ही हैं। आगे यहां से लेफ्ट लीजिए। लेफ्ट। यहाँ एक छोटी सी गली है। मगर आपको कैसे पता चला कि गली छोटी सी? क्योंकि ड्राइवर रुक रुक के चल रहा था और बार बार हॉर्न बजा रहा था और दोनों तरफ से बहुत आवाजें आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद करीब हम 45 मिनट तक यहाँ रुके थे और फिर उन्होंने मेरे पैर पे मारा मुझे लंगड़ा करने के लिए। फिर वो दोनों यहाँ पर ही रुके रहे। शायद वो 8 बजने का इंतजार कर रहे थे। 8 बजे? आपको कैसे पता चला कि वो लोग 8 बजने का इंतजार कर रहे थे? क्योंकि उनमें से एक ने कहा था कि 8 बज गए हैं और फिर मैंने टिक टिक की आवाज सुनी थी। टिक टिक की आवाज? हाँ, जैसे टिक 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 टिक, घड़ी की आवाज जैसे। घड़ी की आवाज? क्या हो सकता है? एक मिनट। क्या वो आवाज ऐसे थी?
हाँ ऐसे ही आवाज थी। पार्किंग लाइट्स, पार्किंग लाइट्स। अभिजीत, उन लोगों ने ऐसे सुनसान इलाके में पार्किंग लाइट्स क्यों ऑन किए होंगे? शायद किसी को सिग्नल देने के लिए। सिग्नल देने के लिए? पर यहाँ सिग्नल देखेगा कौन? एक पता चल गया है कि सिग्नल किसने देखा था। बागू चुमिज्जा की माँ इधर? बेटा, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? तुम इधर क्या कर रही हो? बेटा, मुझे कुछ बदमाश पकड़ कर ले आए। यहाँ कर देखा तू? बेटी मुस्कान यहाँ पड़ी हुई थी। क्या बात, आप हमारे घर आए। कभी हम आपको तो कभी हम इस टूटे फूटे से टेम्परेरी घर को देखते हैं। चल अच्छा हुआ तू फिर से मिल। यहां से अगर तुझे जिंदा नहीं तो तेरी लाश तो लेके जाऊं। नहीं, ये भी मरी नहीं है, मगर अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसकी लाश यहां से ले जा सकते हो। मुझे पहले से ही शक था तुम भी मिली हुई हो। एक बदमाश की माँ तो एक माँ से इस तरह से बात करते हाँ? तुम सिखा दो कैसे करते हैं। एक मामूली से जूनियर ऑफिसर के लिए माने हुए सीआईडी ऑफिसर्स अपनी जान देने पर तुले हुए। पहले क्रेमिन को छोड़ और अब दूसरा काम भी करेंगे। कौन सा काम? बलराज को मारना होगा। बलराज? वो बिजनेसमैन? हाँ, क्यों? उसने ही मुझे पकड़वाया, उसी की वजह से मैं जेल गया। अब मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता हूं। नहीं, क्या? हम ये काम नहीं करेंगे। एक पैर में गोली लगी हुई है, कहो तो सर में भी मार दूं। नहीं, नहीं, नो। नहीं। ओके। हम तैयार हैं, हम ये काम करेंगे। ओके, पहले पहले इसे छोड़ो। नहीं, पहले काम करो फिर इसे छोड़ेंगे। और बलराज की मौत तुम्हारे हाथ से नहीं हुई और वो बच गया तो यहां आना भी मत। हाँ, इधर मत आना। मुस्कान की लाश हम ही पहुंचा देंगे। देखो, अगर बलराज हमारे यहां तो मर गया तो हम तो कहीं भी नहीं जा सकेंगे। पूरे देश की पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। सोच लो, तुम्हारी जान या फिर मुस्कान की जान। ठीक है, मुस्कान को छोड़ दो, हम काम कर देंगे। हमें किसी भी तरह से बलराज को यहां से ले जाना होगा।
पर वो मानेगा नहीं। मानेगा नहीं तो जबरदस्ती उठा लेंगे। जान से मत मार देना। हाँ वो तो वो कैसे हो सकता है। मजाक नहीं, मामला बहुत सीरियस। आप चलिए चलिए। मैं कहता हूँ छोड़िए छोड़िए। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़िए। आप लोग चलो अंदर चलो। चलिए भागो सब भागो। छोड़ो मुझे। लगता है हमें बहुत देर हो गई। रुक जाओ दया, अभी ये रुक जाओ। छोड़ो मुझे। एसीपी साहब कहाँ से आ गए? छोड़ दो बलराज को। छोड़ो मुझे। सर हम इसे लिए अभी यहाँ से नहीं जाएंगे। जिंदा बचोगे तब ना। मतलब छोड़ दो बलराज को। बलराज भाग। बलराज इधर आओ। सर हम मजबूर हैं, आप पीछे मत आइए प्लीज। सर मुस्कान को बचाने के लिए इसे साथ में ले जाना पड़ेगा सर। मतलब एक जान बचाने के लिए दूसरे की जान दोगे? लाना थे तुम पर। मार देता हूँ। क्या बात कर रहे हो तुम? नहीं तो बंदा तो लेके कैसे जाएंगे? सॉरी ऐसे आप जरा प्लीज बाहर जा सकती हैं। कैसे हो सर? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अभिजीत सर ने मुझ पर गोली चलाई। मुझ पर सर, मेरा हाथ कट गया सर। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो दोनों। सर अब उनका क्या होगा? होना क्या है, उन्हें इसकी सजा मिलेगी। सजा? हाँ सजा, मौत की सजा। हम बलराज को बचा नहीं सके। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप यहाँ? आपके एक ऑफिसर ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, मैं बस वही रिकॉर्ड कर रही थी। देखो यहाँ कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, समझी आप? चलिए जाइए आप यहाँ से, जाइए जाइए आप प्लीज। एसीपी प्रद्युमन की आंखों के सामने बिजनेसमैन बलराज का खून हो गया और उन्हीं के एक ऑफिसर को गोली लगी और उनका एक हाथ काटना पड़ा। एसीपी प्रद्युमन ने अपने दोनों ऑफिसर इंस्पेक्टर दया और सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उन दोनों को मौत की सजा दिलवाने की बातें कर रहे हैं। मैं सानिया रिपोर्टिंग फ्रॉम सिटी हॉस्पिटल फॉर फास्ट न्यूज। देखो अब तो मुस्कान को छोड़ना ही पड़ेगा। समझे छोड़ दिया भाई, समान दिया। हम मुस्कान को छोड़ भी देते लेकिन तुम्हारा क्या? हाँ अभिजीत ये बात तो सच है, इस देश में हमारे लिए अब कोई जगह नहीं है। अब तक तो हमारी फोटो सब जगह लगा दी होगी। एक जमाना था हमारा नाम सुन के ही बदमाशों की पैंट गीली हो जाती थी। आज हम खुद पुलिस से छुपे छुपे घूम रहे हैं। जो हो गया सर बाकी ही सोचते हैं। देखो हम तुम्हारे लिए एक काम कर सकते हैं। हम आज रात को हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हैं, तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते। ठीक है, अब गुनाह तो हो ही गया है, ये तो यही सही।
सर, तुम ठीक हो? यस सर। अपने अपने हथियार फेंकने को बोल, बोल। एसीपी साहब, छोड़िए उसे, छोड़िए। कटा नहीं और बलराज भी मरा नहीं। ये देख, ये एक बग है जो मैंने अपने दांतों में लगा रखा था। इस बग से तुम्हारी एक एक बात मुझे सुनाई दे रही थी। जिस वक्त तुमने मुस्कान को किडनैप किया, उसी वक्त मुझे पता था कि तुम कोई और भी भयंकर प्लान बना रहे हो। उसी प्लान को मुझे काटना था, इसलिए मुझे दया और अभिजीत को सीआईडी से निकालने का नाटक करना पड़ा। नहीं तो हमारी इतनी हिम्मत कि हम एसीबी साहब के ऊपर फायर करें और सीआईडी को धोखा दें? कभी नहीं। क्यों दया? हाँ, कभी नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।